नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, आपके साथ अनिशा पांडे। आज पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। साथ ही हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना गया है। इस दिन हर घर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ खास जानकारी। विष्णु जी के राम अवतार के बाद रावण को दिव्य शक्ति प्रदान हो गई, जिससे कि रावण ने अपनी मोक्ष प्राप्ति हेतु शिव जी से वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए कोई उपाय बताएं। तब शिव जी ने राम के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए लीला रची और शिव जी की लीला के अनुसार उन्होंने हनुमान के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिलवा सकें। इस कार्य में राम जी का साथ देने हेतु स्वयं शिव जी के अवतार में हनुमान जी आए थे, जो कि सदा के लिए अमर हो गए और रावण के वरदान के साथ साथ उसे मोक्ष भी दिलवाया। हनुमान जयंती के दिन लोग हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं और कुछ लोग व्रत भी धारण कर बड़ी उत्सुकता और जोश के साथ समर्पित होकर इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए इन्हें जनेऊ भी पहनाई जाती है और हनुमान जी की मूर्तियों पर सिंदूर और चांदी का वर्क चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम की लंबी उम्र के लिए एक बार हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर चढ़ा लिया था और इसी कारण उन्हें और उनके भक्तों को सिंदूर चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, जिसे कि चोला भी कहते हैं। संध्या के समय दक्षिण मुखी हनुमान मूर्ति के सामने शुद्ध होकर मंत्र जाप करने का अत्यंत महत्व दिया जाता है और हनुमान जयंती पर रामचरितमानस के सुंदर कांड पाठ को पढ़ना भी हनुमान जी को प्रसन्न करता है। सभी मंदिरों में इस दिन तुलसीदास कृत रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा का पाठ होता है और जगह जगह भंडारे भी आयोजित किए जाते हैं। तमिलनाडु व केरल में हनुमान जयंती मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या को तथा उड़ीसा में वैशाख महीने के पहले मनाई जाती है। वहीं कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख महीने की 10वें दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है। कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया, कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया के राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, के राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, के राम ने कलयुग तुम्हारे ऐसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया, ऐसा करिश्मा तूने राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। हिंदुस्तान की कुछ खास जानकारी। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान के साथ।